श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज रंग पंचमी का त्यौहार है, और दोस्तों रंग पंचमी का जो त्यौहार होता है वो होली का ही त्यौहार होता है, क्योंकि होली जो है पूरे 5 दिनों का त्यौहार होता है, जो कि होली से लेकर रंग पंचमी तक चलता है। तो दोस्तों, इस रंग पंचमी मतलब आज के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं, जिस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी काम हो, वो 3 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसा ही उपाय है, खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में इस उपाय को बताया है। तो आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको आज के दिन रंग पंचमी विशेष दिन है, इसलिए हम आप इसको इस उपाय को बता रहे हैं, अन्यथा आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, किसी भी शिव मंदिर जाना है, किसी भी शिव मंदिर के आसपास आपको एक बेलपत्री का वृक्ष ढूंढना है, ठीक है। यह उपाय जो है बेलपत्री के वृक्ष के आसपास का ही उपाय है, तो इसलिए आपको इस उपाय को और कहीं नहीं करना है। तो कोई से भी शिव मंदिर जाइए, उस शिव मंदिर के आसपास आपको कोई बेलपत्री का वृक्ष ढूंढना है, ठीक है। बेलपत्री का वृक्ष ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, एक चावल का दाना या तो एक मूंग का दाना, इन दोनों में से जो आपको मिल जाए वो लेकर जाना है, और एक लोटा जल लेकर जाना है। कहाँ जाना है, शिव मंदिर के आसपास का जो बेलपत्र होता है उस जगह पर, ठीक है, बेलपत्र का जो पेड़ होता है उस जगह पर, ठीक है। और अगर नहीं है तो कोई सा ऐसा मंदिर ढूंढिए जहाँ पर आसपास में आपको बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए, ठीक है। थोड़ा दूर भी चलेगा पर शिव मंदिर के आसपास ही होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर के आसपास वाला जो बेलपत्र का पेड़ होगा उसके नीचे चले जाना है, ठीक है। उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाने के बाद वहाँ पर उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी एक कंकड़ देख लो, कोई भी कंकड़ जो कि छोटा सा हो, उस कंकड़ को आप शंकर जी मान लो। कंकड़ को शंकर जी मानने के बाद उस पर जो आप एक चावल का दाना लेकर गए हैं या जो आप एक मूँग दाल का दाना लेकर गए हैं, हरे मूँग का दाना लेकर गए हैं, उनमें से कोई भी जो आप लेकर गए हैं वो उस कंकड़ पर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद एक लोटा जल जो है उसी कंकड़ पर शिवलिंग मानकर, उसे शिव जी मानकर समर्पित कर दीजिए, और वहाँ पर बैठकर कुछ घंटों तक मतलब 1 से 2 घंटे तक आपको वहाँ पर भगवान शिव जी का नाम का स्मरण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और अपनी मनोकामना या कोई विशेष काम जो है भगवान भोलेनाथ से बोल देना है उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर। आप देखेंगे कि वह जो आपका ज़रूरी काम होगा वह 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। रंग पंचमी के दिन आप इस उपाय कर सकते हैं, करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत ही बड़ा फल देखने को मिलेगा। इस उपाय को आप लोग सुबह सुबह प्रातःकाल करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।